ठीक है दोस्तों, ये वाला धर्मशाला ये छोटू राम चौक के साइड में पड़ता है, आगे बहुत अच्छा पार्क भी बना हुआ है, आप वहाँ के घूम सकते हो। ये इसका मेन गेट अभी बंद है बट ये वाला गेट ओपन रहता है, तो कभी आप आओ तो यहाँ पे आके घूम सकते हो। मैं अंदर जा नहीं रहा क्योंकि हम थोड़ा काम से आए, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पार्क सा बना हुआ है बहुत अच्छा, और अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों पार्क में मैं, मामा जी और मेरा भाई आया, भाई मेरी मासी जी का लड़का, तो पार्क में चलते हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितना ज़्यादा रश हो रहा है। ये यहाँ का पार्क है फ्रेंड, यहाँ पे इवनिंग टाइम में आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, सिंगल, जैसे भी आप फ्री होते हो यहाँ आके आप कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इसका मेन गेट है, आप अंदर जाके देख सकते हो। चलो तुम कभी यहाँ पे मार्केट में आए, एक शॉप पे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको हमें दिखाता हूँ कैसे बना है, ये आपको देखना है, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं, बनाए जाते हैं, बहुत फेमस ही बताते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाए। मैं इसने पहले ही बना के रखी हम मेरे आने से पहले, आप देख रहे हैं बनाया है। मार्केट ऑफ फ्रेंड जो हमारा घर है जहाँ पे रुके हैं, वहाँ से घर से पास पड़ता है, यहाँ पे आ सकते हो। जो मैंने रिसेंटली भी बताया था, ये छोटू राम पार्क है, यहाँ पे आप आके यहाँ पे अपना यहाँ पे आके घूम सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। ये अंडे वाली शॉप है जो बहुत अच्छा बनता है। आपको रोहतक का स्टेशन दिखाता हूँ, क्योंकि कल जो ट्रेन थी वो तो लेट हो गई थी, हम जा नहीं पाए, तो वही मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ रोहतक स्टेशन का। तो फ्रेंड्स अभी हम रोहतक स्टेशन पे आ चुके हैं, यहाँ से हम जाएंगे बठिंडा, क्योंकि अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन अभी तक आई नहीं है, प्लेटफॉर्म देख सकते हो खाली अभी तो कोई है नहीं, बट ट्रेन आई थी वो चली हुई, तो फिर दोस्तों काफ़ी इन्जॉय किया, बट रोहतक में ज़्यादा रुक नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे भी ऑफिस जाना है आज, मैं हाफ डे जाऊँगा, तो इतना ही टाइम था कि जितना यहाँ पे मैं रुक सकूँ। तो मासी के घर जब बन जाएगा तब आएंगे फ्री होकर, फिर रोहतक में जो भी अच्छे अच्छे प्लेसेज हैं तब उसको कवर करेंगे। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। यार हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, जब हम आए थे बठिंडा से रोहतक तब भी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, अब हम बठिंडे से ऐसे आई मीन रोहतक से बठिंडे जा रहे हैं तब भी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, आधा घंटा लेट आ रही है। आज मुझे हाफ डे भी जाना था ऑफिस, बट होपफुली मुझे लग नहीं रहा मैं हाफ डे जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, बट देखते हैं ट्रेन को आ जाती है, अगर टाइम से ट्रेन आ जाती है तो हम ऑफिस जाएँगे, अदरवाइज़ एक छुट्टी और चलनी पड़ेगी इस महीने, मेरी छः सात छुट्टी हो जाएगी। अब देखते हैं ट्रेन आ जाए तो उसमें बैठते हैं, अनाउंसमेंट तो हो गया ट्रेन का, बट देखते हैं कब तक आती है। दोस्तों आ चुकी है, देख लीजिए आप, अभी जस्ट ये एक्सप्रेस ट्रेन है, बहुत रुकेगी भी कि नहीं। दोस्तों बैठ चुके हैं, ट्रेन ऑलरेडी खाली थी, तो काफी सारी सीट मिल गई है, जब हम आए थे इतना ज्यादा बहुत ज्यादा फुल थी, बट अभी ट्रेन खाली है तो हमको सीटें मिल चुकी है, आप देखें तो सारी सीटें खाली है, अभी ट्रेन चलती है उसके बाद देखते हैं टाइम से पहुँचते हैं आफ्टर दैट ऑफिस जाएंगे, देखते हैं टाइम से पहुँच गई तो ऑफिस चले जाएंगे। चल दी है सुपर फास्ट है ये ट्रेन, तो दो एक मिनट ही रुकी है, अब यहाँ से चल दी, अब देखते हैं कितने बजे पहुँचाती है, ये एग्जैक्ट 9:30 बजे चली है, से 9:28 पे आई है, 9:30 पे चली है, वहाँ पे जाके देखते हैं कितने बजे पहुँचती है। तो बाय बाय रोहतक, मिलते हैं बठिंडा से, करते घर जाके वहाँ पे एंड करेंगे ब्लॉग का। ओके दोस्तों अब हम आ गए जींद, बहुत ही अच्छी ट्रेन है सुपर फास्ट, इनकी बहुत स्पीड से चल रही है, अभी इसने जींद पहुंचा दिया है, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ जींद का। नींबू भी डाल देना, चलने की ट्रेन में देखो आप आते होंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना, भैया बेच रहे हैं 20 रुपये माल, बड़े मज़े आते हैं इसको खाने में ट्रेन में, आप इसको खाते हैं। ओके सर दोस्त, फाइनली बठिंडा स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम जाएँ घर, धूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी भी बहुत लग रही है, फाइनली इस ट्रेन से हम बहुत टाइम से पहुँचे हैं, बट फिर भी ये ट्रेन जो थी आधे घंटे लेट हो गई थी, अभी लग रही है बहुत ज़ोर से धूप, अब यहाँ से जाएँगे हम घर पर जाएँगे नहा के, वहाँ से मैं करूँगा ऑफिस की तैयारी।